फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आज ये पॉइंट में हम वीडियो में डिस्कस करने वाले कौन से फैक्टर जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अफेक्ट करेंगे वो पॉइंट है द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिपेंड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी एबिलिटी ऑफ फॉर्म। अर्निंग एबिलिटी में बहुत सारे फैक्टर कवर करता है कि उसका बिजनेस कहाँ पे है, कितने टाइम से बिजनेस है, मार्केट की कौन से सिचुएशन पे है, एफिशिएंसी की मैनेजर की एफिशिएंसी कैसा है उस पे डिपेंड करता है। द बिजनेस लोकेशन, बिजनेस पीरियड, टाइप ऑफ अ बिजनेस, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ बिजनेस एक्सेट्रा आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द बिजनेस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्योंकि आपको पता ही है गुडविल का वैल्यूएशन प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा जो कमाता है उस पे वैल्यूएशन पे ही उसकी गुडविल वैल्यूएशन होती है, तो आपको वो ध्यान रखना है। देयरफॉर द सेम रीज़न ऑल्सो अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फॉलोइंग आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इनडायरेक्टली ये फैक्टर है जिसमें सेल्स और प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएंगे, क्योंकि गुडविल किस पे इम्पैक्ट होता है, सेल्स मतलब प्रॉफिट। सबसे पहले आपको ऐसे समझना है गुडविल किसको इफेक्ट होता है। गुडविल आप बोलोगे सर तो गुडविल इफेक्ट होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट आप बोलोगे सर प्रॉफिट किससे इम्पैक्ट होता है, सेल्स। तो इनडायरेक्टली ये सेल्स बढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं जिसमें आप बोल सकते हो कि आपकी गुडविल की इफेक्ट मतलब फैक्टर अफेक्ट करता है। सेल्स को करेंगे तो प्रॉफिट को करेंगे, प्रॉफिट को करेंगे तो गुडविल को करेंगे। आगे बढ़ते, नेचर ऑफ अ बिजनेस। गुडविल एग्जिस्ट व्हेन द फर्म अर्न मोर प्रॉफिट देन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इट अर्न अ प्रॉफिट ड्यू टू हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। इट हैज़ अ मोर प्रॉफिट मार्जिन ड्यू टू स्टेबल सेल्स एंड अर्न मोर प्रॉफिट ड्यू टू सम अदर रीज़न। सबसे पहले तो नेचर ऑफ अ बिजनेस, नेचर मतलब उन्होंने ऐसे अपने बिजनेस को स्टेबल कर दिया है। मतलब मैंने अभी एग्जांपल आपको पहले वीडियो में भी दिया था वाघ बकरी चा, दूसरा मैंने दिया था रेमंड का क्लॉथ, और तीसरा मैंने बोला था गुडविल जैसे इसके बारे में बोला था कोलगेट। उन्होंने अपना इतना कस्टमर बेस बढ़ा कर दिया है और स्टेबल कस्टमर बेस है, तो मतलब नॉन कंटिन्यूस उनका सेल्स होता ही रहता है, और प्रोडक्ट में वो कांस्टेंट वैल्यू एडिशन दे रहा है कि लोग उनकी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उनका नेचर ही ऐसा है बिजनेस का जिसकी वजह से गुडविल ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। आगे पढ़ते, लोकेशन ऑफ अ बिजनेस। आपको पता है कि कई जगह पे आपकी प्रॉपर लोकेशन हो बिजनेस की, तो उसमें कई जगह पे ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि शूज़ मार्केट तो बहुत सारी जगह पे शूज़ ही मिलेंगे, क्लॉथ मार्केट तो खाली क्लॉथ ही मिलेंगे। वो एरिया होता है, वो लोकेशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि उनको नॉर्मल ट्रैफिक से ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। नॉर्मल ट्रैफिक मतलब रूटीन कस्टमर जो मिलते हैं उससे ज़्यादा कस्टमर उनकी शॉप पे आते हैं, और शॉप पे आने की वजह से सेल्स भी ज़्यादा होता है, सेल्स भी ज़्यादा होता है इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और प्रॉफिट ज़्यादा होता है इसलिए बिजनेस की गुडविल भी ज़्यादा होती है। आप अभी वो समझ लो कि उनकी जो लोकेशन है वहाँ पे कस्टमर कम आ रहे हैं, या लोकेशन ऐसी है वहाँ कस्टमर नहीं आते, तो उनकी वजह से क्या होगा, उनका गुडविल भी क्या होगा, कम होगा। बस अभी यही पढ़ना है। ऑफ्टेन द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस डिपेंड ऑन बिजनेस लोकेशन। इफ़ द बिजनेस इज सेंट्रली लोकेटेड और इट प्लेस हैविंग द हैवी कस्टमर ट्रैफिक देन द मोर प्रॉफिट अर्निंग कैन बी सीन इन द बिजनेस। ऑब्वियसली देखा ही जाएगा जितने कस्टमर ट्रैफिक ज़्यादा होगी उतना प्रॉफिट कैपेसिटी भी, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हाईली सच सर्टनली लोकेटेड बिजनेस, द बिजनेस लोकेशन ऑल्सो अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसके साथ आपका सेकेंड पॉइंट भी कम्प्लीट हुआ। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, पीरियड ऑफ अ बिजनेस। तो आप बोलोगे जैसे सर फॉर्म पुरानी होगी उतना उतना उसका प्रॉफिट भी कैसा होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि बिजनेस में उसने क्या किया होगा, रिलेशन बहुत अच्छे हो गए होंगे सभी जगह, कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, सारी जगह के बिजनेस के बेसिक रूल के साथ सारे उनके क्या होंगे, बहुत कनेक्शन अच्छे हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, सेल और रेपुटेशन दोनों मार्केट में बढ़ेगी, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आप बोल सकते हो कि उनके बिजनेस के गुडविल भी ज़्यादा होगी। तो अभी हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जनरली ओल्डर फॉर्म हायर द रेपुटेशन इन द मार्केट। आप मानते हो जैसे पुरानी होगी उसकी गुडविल बढ़ती जाएगी, रेपुटेशन बढ़ती जाएगी, बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ कस्टमर आर फेमिलियर एंड दे हैव द वेरी क्लोज एंड लॉन्ग टर्म रिलेशन विद द पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट। उनको पता होगी कि सर ये जो फॉर्म है वो बहुत पुरानी है
और उनके साथ अच्छा रिलेशन भी उन्होंने रखा होगा, उसलिए वो लोग ज़्यादातर उनसे अटैच होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस इज़ बाउंड टू बी हाई, दस द पीरियड ऑफ अ बिजनेस ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आपको वो क्वेश्चन में कई जगह पे पूछते हैं कि गुडविल डिपेंड करती है कि पीरियड ऑफ अ बिजनेस मतलब ओल्ड फॉर्म की वैल्यू ज़्यादा होती है या नहीं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप में आएंगे। आगे चलते हैं, द मार्केट मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन मतलब क्या है कि समझ लो कि आप एक ही मोनोपोली मार्केट हो, आपने बहुत सारे मार्केट के कंडीशन को आपने पहले डिस्कस किया हुआ है, मतलब पढ़े हुए हो। तो मार्केट सिचुएशन में मोनोपोली जहाँ होती है उनकी गुडविल भी ज़्यादा होती है। मोनोपोली मतलब उसके सिवा कोई भी बेचने वाला नहीं हो, या मतलब उसकी जैसे अच्छी सर्विस देने वाला कोई भी ना हो मार्केट में, वो वन ही ऑप्शन है, मतलब एक ही ऑप्शन रहता है आपके पास, तो उसको मोनोपोली बोलते हैं। मोनोपोली कंडीशन और लिमिटेड कॉम्पिटिशन फॉर्म अर्न टू हाई प्रॉफिट। मतलब आप बोल सकते हो कि मोनोपोली में गुडविल की वैल्यूएशन ज़्यादा होती है, देयर फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज़ हायर इन सच बिजनेस, दस द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑल्सो डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ अ बिजनेस इन द मार्केट। मतलब मार्केट में वही एक प्लेयर है कि बहुत सारे प्लेयर होंगे, मतलब सिचुएशन बहुत सारे लोगों से कंपटीशन, हाई कंपटीशन होगा, तो वहाँ पे गुडविल क्या होगी, कम होगी। उसके बाद आप बोलोगे सर आगे पढ़ते हैं, तो आप अफिशियंट मैनेजर, तो आप बोलोगे सर अफिशियंट मैनेजर होगा तो क्या होगा, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ फॉर्म। मतलब कॉस्ट कम होगी और उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी बढ़ेगा और उसकी वजह से गुडविल भी बढ़ेगी। और लास्ट में एक पॉइंट है, अदर स्पेशल बेनिफिट। गुडविल एग्जिस्ट व्हेन द कंपनी एन्जॉय द स्पेशल बेनिफिट। मतलब वो कंपनी को एक स्पेशल बेनिफिट है जिसके पास उनके राइट्स होते हैं, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज, दैट इज कंपनी हैज एक्वायर्ड द लाइसेंस। आपको माइनिंग लाइसेंस, मतलब आपके सिवा ये एरिया में नहीं कर सकते। तो पहला एग्जांपल है, इफ़ द कंपनी कैन एक्वायर द लाइसेंस, उनके लिए लाइसेंस है, उनके सिवा कोई बेच नहीं सकता, ऐसा है। पैटर्न है, ट्रेडमार्क, और अर्न मोर प्रॉफिट और हैज अ अर्निंग मोर प्रॉफिट, इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ हैविंग द हायर गुडविल। तो उसका चांसेस है कि प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा तो गुडविल भी ज़्यादा होगी। इसकी अपार्ट हम बोल सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सर्विस आफ्टर सेल सर्विस, पास्ट अचीवमेंट ऑफ अ फॉर्म, गुड लेबर रिलेशन ऑल्सो बिकम द रीज़न टू अर्न मोर प्रॉफिट। इसकी वजह से भी गुडविल मतलब वैल्यूएशन वो अर्न ज़्यादा करती है, इसकी वजह से गुडविल भी होती है उनकी ज़्यादा, ड्यू टू दिस गुडविल कम इंटू एग्जिस्ट। और लास्ट में एक MCQ है जो है क्या, गुडविल इज डैश वेयर द इंडिविजुअल स्किल इज इम्पॉर्टेंट। समझ लो कोई टीचर है या कोई डॉक्टर है, वो इंडिविजुअल है, वहाँ पे गुडविल उनकी कैसी होगी। तो आप बोलोगे सर जैसे डॉक्टर जाएंगे उसके साथ उनकी गुडविल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम वे आप अपने हेडड्रेसर की बात करो, आप हेडड्रेसर के साथ जनरली चेंज नहीं करते, क्यों, क्योंकि उनके साथ आपको सेट हो गया है। कई जगह पे तो हेडड्रेसर वो होगा तब भी आप बाल कटवाओगे, तो उनको क्या बोलते हैं, नॉर्मली जहाँ पे इंडिविजुअल स्किल इन्वॉल्व होगी वहाँ पे उनकी गुडविल लेस होती है। इसके साथ हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं थर्ड पॉइंट्स, मतलब अभी थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, तो हमारा वो जो पॉइंट होगा वो एवरेज प्रॉफिट वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है, ध्यान से फोकस करते जाना तो क्लियर हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मिलेंगे नए वीडियो में।